प्रकृति ने जल को मनुष्य के लिए एक अनमोल उपहार के रूप में प्रदान किया है। जल की वजह से ही धरती पर जीवन संभव है, लेकिन बड़ी दुखद स्थिति यह है कि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। जबकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को पानी के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता। जल संरक्षण की बातें सभाओं में और राजनीतिक मंचों से अक्सर सुनाई देती हैं, पर धरातल पर कितना कार्य होता है इस स्थिति से हम सभी अवगत हैं। यमुना मिशन इस दिशा में भी अपने कार्यों से जनमानस को लाभान्वित कर रहा है। यमुना जी के किनारे जो सुंदर वृक्षावली लगाई गई है, वह स्वच्छ वायु के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि इन वृक्षों को ऊंची ऊंची मेढ़े बनाकर वहां रोपा गया है और जैसे जैसे ये वृद्धि कर रहे हैं, उससे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अंदेशा भी कुछ कम हो पाने की संभावना बढ़ रही है। कुछ वृहद वृक्षों की जड़ें तो पृथ्वी में किलोमीटर तक के परिक्षेत्र में फैलती हैं, जैसे नीम, पीपल, वट वृक्ष इत्यादि। जल इन जड़ों के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है, जिससे वृक्षों को तो लाभ मिलता ही है, साथ ही पृथ्वी का भूगर्भ जल स्तर भी सही होता है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय में यमुना मिशन के कार्यकर्ता और अधिक सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि प्रयास यही होता है कि जल का यह आवेग जन साधारण को लाभ पहुंचाए, हानि नहीं। इसीलिए हाल ही में आई बाढ़ जैसी स्थिति में दिन और रात यानी 24 घंटे कार्य किया गया। मिट्टी की मेढ़े बनाकर पानी के बहाव को गहरे गड्ढों में एकत्र करने का कार्य किया गया, जिससे जल का सही सदुपयोग हो सके और जल का संचय किया गया। ये जल संचित होने से जल का प्रवाह मथुरा में अधिक आगे नहीं जा सका और अब इस जल संचय से भूगर्भ स्तर, वृक्षावली और जीव जंतुओं को लाभ मिल रहा है। आज ब्रज क्षेत्र में यमुना मिशन के द्वारा जतिपुरा में यमुना कुंड तथा हरजी कुंड, कौरेर में कमल कुंड, पारसौली में चंद्र सरोवर, रमण रेती में रमण सरोवर जैसे पौराणिक स्थलों पर भी घाटों के जीर्णोद्धार तथा साफ सफाई पर ध्यान देते हुए जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। यमुना मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईश्वर, प्रकृति और यमुना जी से जुड़े सुंदर वीडियो देखने के लिए।